हाँ भाई, की हाल चाल सारे का? सारे ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। अज गल करते हैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके, मतलब तुसी जो अफोर्ड कर सकते हो मास्टर्स कोर्स लिए। तो अगे बढ़ते हैं वीडियो नू लेके। मैं सामने स्क्रीन पर ही बैठा, कंप्यूटर स्क्रीन ते, मैं थोनों दसूँगा भी किड़ियाँ किड़ियाँ यूनिवर्सिटियाँ। इतने 10 यूनिवर्सिटियाँ की गल हो रही है, तो 10 यूनिवर्सिटियाँ मैं तुम्हें दसूंगा जिते तुसी आराम नाल कोर्स अफोर्ड कर सकते हो। ओबियसली इस ए यूनिवर्सिटी भी इनकलूड है। तो वीडियो में ध्यान नाल देखियो, थोड़े वास्ते नॉलेज की गल होने वाली है। तो शुरू कर, अपनी लिस्ट के सब तो पहली हैगी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के बारे मैं तुम्हें दसदा थोड़ा जहा भी, इतने मास्टर्स कोर्स अवेलेबल रहेंगे है, तो सितंबर इनटेक भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी बोल्टन के। सितंबर 2022 इनटेक भी अवेलेबल है। तो ये कोर्सिज की एवरेज कॉस्ट 12,500 पाउंड होंगी है एक साल की, क्योंकि मास्टर्स एक साल की होंगी है यूके के, 12,500 पाउंड होंगी है एक साल की कोर्स की फीस। उदू बाद आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड्स एंड आईलैंड्स। मैं हूँ तो करंटली मैं पता नहीं भी यूनिवर्सिटियाँ कितने कितने है, पर वीडियो दे विच मैं थले इनकलूड कर दूंगा एरिया भी कि एरिए यूनिवर्सिटी पैंदी है। मैं बाद चो रिसर्च करके फाइंड कर लूँ। ये जी करंट कॉस्ट है ज एवरेज कॉस्ट है मास्टर्स कोर्स की, वह भी 12,000 के आस पास होंगी है, 12 तो 14 के मास्टर्स कोर्स इतने अवेलेबल है। अगली यूनिवर्सिटी अपनी आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ सफोक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सफोक एक चंगी यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने सितंबर 2022 के इनटेक भी अवेलेबल है। तो यदा भी जी एवरेज कॉस्ट है कोर्सिज की, वह 12,000 तो लैके 14,000 के होंगी है, 12,000 पाउंड तो लैके 14,000 पाउंड के होंगी है। मैं अगेन दस देना चाहना भी ये जीडिया सारिया यूनिवर्सिटियां ने लोकेशन मैं मैनशन करूँगा, इतने कीतियां भी होनगियां, मतलब मैं एडिट करूँगा बाद चो वीडियो, तो तुसी उत्थे जा के उन्हां दी वैबसाइट्स ते देख सकते हो। अगली आ गई स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी अपनी। तो इहदे विच मास्टर्स कोर्स चंगे हुंदे आ, मतलब हुंदे भी बहुत वधिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया यूनिवर्सिटी दा, टीचिंग स्टाफ भी बहुत सोहणा, मतलब टीचिंग स्टाफ भी बहुत घेंट है, तो चंगे नेचर दा मेरा मतलब। तो ये यूनिवर्सिटी दे विच कोर्स 12,000 तो लैके 16,000 दे विच विच आ मास्टर्स कोर्स एक साल दे जिहड़े हुंदे आ। मास्टर्स कोर्स काफ़ी रेंज के अवेलेबल है, इतने इंजीनियरिंग भी हैगी, आर्ट्स एंड डिज़ाइन भी है, साइंस के कोर्स भी अवेलेबल ने, तो तुसी देख सकते हो। अगली आ गई लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। इहदी करंट कॉस्ट तो मैं थोड़ा जहा सरप्राइज भी होया, क्योंकि इहदी जिहड़ी एवरेज कॉस्ट है मास्टर्स कोर्स की वह 11,000 तो ही शुरू हो जाती है। तो मैं लगता भी काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वास्ते, क्योंकि 11,000 पाउंडस वर्थ रुपीज लाइक 12,00,000 के आसपास हों अपना, मतलब लाइक इंडियन रूपी अफोर्डेबल है, मतलब एक साल। लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी भी एक सही यूनिवर्सिटी है, थोड़ा जहा इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए तो थोड़ा जहा मतलब कि बेसिक है, पर जी कोर्स की कॉस्ट है, अज पता नहीं की हो रहा, पता नहीं तो मैं भुख लगी है तो ही नहीं बोलिया जाता मन लगता। तो कोर्सिज़ की जी इन्हों की कॉस्ट है वह 11,000 तो शुरू हो जाती है, 11,000 तो लैके 14,000 के आस पास तक इन्हों के कोर्स है। आर्ट्स एंड साइंस के वाहवा कोर्स है ये। तो एक होर यूनिवर्सिटी है स्पैसीफिकली आर्ट्स के रिगार्डिंग, वो हैगी लिवरपूल इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यदी जी एवरेज कॉस्ट है वह 10,000 पाउंड के बिच है, 10,000 तो लैके 12,000 पाउंड के इन्होंने कोर्सिज की कॉस्ट है। मास्टर्स का कोर्स एक साल का होंगे तो 10,000 पाउंड तुसी कर सकते हो अफोर्ड एक साल दे। ते बाकी जिहड़े बंदे नूं वैटनरी दे विच इंट्रस्ट है, जिन्होंने मास्टर्स वैटनरी दे विच करनी है, तो वह हैगा रॉयल वैटनरी कॉलेज। इहदी जिहड़ी कोर्स की कॉस्ट हैगी है वह भी 11,000 तो लैके 13,000 दे विच विच है, इन्हां दे विच विच तुहानूं कोर्स मिल जाणगे इस विच। ते अगली आ गई मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी। ये जिहड़े कोर्स है वह शायद इंजीनियरिंग के कोर्स नहीं होंगे जितों तक मैनूं पता, शायद नहीं होंगे,
ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅ ਹੈ, 8,000 pounds ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8,000 pounds ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ UK ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7,850 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ 7,00,000 ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 10 universities ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 10 universities 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਮੇਬੀ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਜਿਹੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਉ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।